दिस इज 1 square foot लिफ्ट। ओ भाई फंस गए, ओ भाई फंस गए भाई। सिग्नेचर मॉल में आ गए तो ये भाई गाड़ी में हमारा देखेगा, बम बम कुछ मिल जाए तो। भाई जल्दी बांध ले, भाई ने कर दिया बहुत ज्यादा लेट, भाई का पटका सेट नहीं आ रहा है, पटका सेट नहीं आ रहा रोजी सारी। तो क्या हर जगह मुंह मारने आ जाती, हर जगह मुंह मारने आ। चल भाई चक्को जूते गाड़ी में रखे जूते को। चलो जी बाय बाय, टाटा खा रहे चक, ठीक है भाई टाटा। हाय गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और ऐसा सीन कुछ ऐसा है, बाहर की सीन कुछ ऐसे हैं, बताओ भाई साहब। मौसम बड़ा बहुत धूप, शानदार धूप निकली है 100 दिनों के बाद भाई, मतलब सीन दे और बड़े दिनों बाद तारीख होगी और धूप अच्छी निकली है यहाँ पे। तो अब बस हम निकल चुके हैं रास्ते में और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर। बेंगलोर जा रहे हैं। ये जो रोड ट्रिप आज हुई है ना, ये इसका हमें 10 दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश रुकेगी, कब हम निकलेंगे। पहले तो हम बाइक में जा रहे थे तो फिर यार कैंसिल हुआ, सामान बहुत ज्यादा लेके आना है वहाँ से, तो हमने सोचा यार कार में चलते हैं, हम जाना तो ही है तो चलते हैं। हमने सामान वगैरह लेना होटल के लिए, लाइट्स वगैरह, और भाई मेन चीज फोन ठीक कराना है यार। हाँ, और इसका फोन जो कहीं नहीं हुआ, अब बेंगलोर मेन है, ये आखिरी जगह है, अब यही पता करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, फिर देखते नहीं तो क्या होगा फिर। भाई अपना यहाँ रुकने का मकसद था नहीं, पर ये जो चीज है ना, जब भी आते ना तो दिमाग खराब कर देती है, मजबूर कर देती है रुकने के लिए। तो भैया ये है किया फैक्ट्री, जो कि बहुत ही डेंजरस चीज है भाई साहब, खतरनाक। तो यार ये जो जगह है ना, हमेशा हमेशा मजबूर कर देती है रुकने के लिए, इतनी अट्रैक्टिव है ना यार, आप आओगे ना कभी यहाँ से निकलोगे, मैं कह रहा रुक के जाओगे। खैर हम रुके कभी नहीं, फर्स्ट टाइम है रुके हैं, मैंने कहा रुक जाते हैं। पापा की फरमाइश आई थी कि रुक के जाना, थोड़ा दिखाया करो, तुम जल्दी जल्दी जाते हो, तो मैं चला दिखा देते हैं। खैर जो लोग यहाँ के उन्होंने देखिए, जिन्होंने नहीं देखिए देख लो, और गोप्रो में कुछ दिखेगा नहीं, बहुत बढ़िया दूर तक है, जितनी देखो। तो यार यहाँ पे आ गया ना, आसमान इतने सुंदर लग रहा है ना। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं कर्नाटक बॉर्डर, आंध्र बॉर्डर पार करते हैं, कर्नाटक बॉर्डर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से रह गए बेंगलोर मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर और है। और जहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारे एक वीर जी हैं, तो उनका नाम है मिन्नी वीर जी हैं, तो हम उनके वो हमारा स्टे वहीं पे है। खैर और उनसे भी हम आपको मिलाएंगे, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया बंदे हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो रात का हमारा स्टे वहीं पे है, तो जैसा भी रहेगा आगे, तो आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है, तो आगे आपको दिखाएंगे, तो बने रहना। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं कर्नाटक बॉर्डर, अब मतलब बॉर्डर में एंटर करते हैं, मेन बेंगलोर पहुँचने पर थोड़ा टाइम लगेगा। और खैर हम बेंगलोर मेन में नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे वाइट फील्ड, मतलब जाऊंगे फ्लैट वगैरह में, वाइट फील्ड में है। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं होसकोटे, पर यहाँ की अब हम फर्स्ट टाइम आए ना, मतलब अपने आप मतलब तो यहाँ समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि कौन सी सड़क कहाँ जा रही है। तो अभी हम एक ब्रिज के नीचे खड़े हैं, तो हमने वीर जी को फोन किया, हमने कहा लेने आ जाओ यार, तो लोकेशन भी उन्होंने जो लोकेशन भेजी है ना, तो वो ढंग से आई नहीं है, पता नहीं क्या आ रहा था, वो समझ नहीं आई, अलग बेचारा उसको नींद आ रही है बहुत, सिर दर्द हो गया बेचारे का, अब क्या करें यहाँ, तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से कहाँ जाना है, इतनी ब्रिज है, इतनी गलियाँ हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं घर पे वीर जी के, यहाँ पे बड़ी दो बच्चों काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, तो आते ही कौन मिले हमें, भाई भाई को हेलो हेलो करो भाई, नाम बताओ अपना। मेरा नाम हर्षप्रीत है। तो भाई हमारा छोटा भाई हर्षप्रीत सिंह, आगे आगे मेरा इंदौर कैबल। तो ये हमारे वीर जी हैं, ये हमें आए थे लेने, तो मतलब वहाँ बहुत देर से खड़े, हम समझ नहीं आ रहा कौन सी रोड कहाँ है, वीर जी बता रहे हमारे चक्कर में परेशान हुए हैं, तो बाकी अब इस लिफ्ट में हम घुसेंगे कैसे भाई, ये तो 1 square foot की लिफ्ट है, दिस इज 1 square foot लिफ्ट। ओ भाई फंस गए, ओ भाई फंस गए भाई, उठा ली क्या हमें, उठा ली पहुंच जाएंगे कमरे तक। अच्छा भाई साहब पहुंच चुके हैं, हमारे फैन दूर दूर तक है यार, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, पर ये मेरा छोटा भाई है, नहीं मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूं उनका। और स्कूल कहाँ जा रहा तू आजकल? ये तो जा रहे हैं, मैं नहीं, मेरा तो अभी बस से नहीं, मेरा मिड टर्म एग्जाम है, आर्ट टेस्ट में लिख के आया हूं मैं। क्या लिख के आया? मिड टर्म लिख के आया। पास हो जाएगा? इंग्लिश।
फर्स्ट आएगा, पास नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा। क्या बात है, पूरा कॉन्फिडेंस है भाई साहब। तो दोपहर के बच चुके हैं 3:30 और हमें बस अब आधा घंटा रेस्ट वगैरह करके निकलना है। एप्पल के सेंटर 6 बजे का टाइम है और वो हमें मिलेगा पुनिक्स मॉल। कौन सा है? फिनिक्स मॉल। फिनिक्स मॉल में मिलेगा पुनिक्स फिनिक्स मॉल में मिलेगा। और फिर क्योंकि यार वो काम मेन है, आज एक काम ये करेंगे, फिर अगले दिन जो लाइट्स वो जो होटल का सामान है वो कर लेंगे। तो जैसे जैसे होगा तो आपको बताएंगे। तो बाकी बस अब सोते हैं, थोड़े थक गए ना, हो जाता सो जाए थोड़े। तो गाइस मैं हूँ, ये मेरा भाई है, छोटा भाई। ये अलग भैया यहाँ पे हैं, अशपाल भैया अभी वॉशरूम गए हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि अशपाल भैया को मिलने की मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, तो आज मैं मिल गया। थैंक यू। बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, 5 बजे काफी ज्यादा लेट हो गया। अब शोरूम ढूंढना है कि कौन सा एप्पल का शोरूम कहाँ पे मिलेगा सर्विस सेंटर। तो हमें वैसे पता ही नहीं कुछ कहाँ पे है, गूगल में सर्च करते कैसे जा रहे हैं। ठीक है फिर बाय, हैं मिलेंगे बाय। हेलो, तो गाइस सीन ऐसा हो गया, हम भाई वहाँ से निकले हैं, बड़ी मुश्किल से हमने एक शोरूम सर्च किया है और अलग ने भी उनसे बात भी की है, तो वो ऑथराइज सेंटर है और यहाँ से कम अभी आधा घंटा लगेगा व्हाइट फील्ड में। अभी तो हम वहाँ थे, कहता बहन नाम ही पता नहीं, टेढ़े मेढे आगे समझ नहीं आते। तो अभी हम जा रहे हैं बाकी अलग पकड़ पकड़। हेलो, अबे तू गाड़ी चला ले, मैं कैमरे में कह रहा हूँ हेलो। तो हमें एप्पल का मिल चुका है, कहाँ पे मिला है? सिग्नेचर मॉल में आगे। तो ये भाई गाड़ी में हमारा दिखेगा, बम बम कुछ मिल जाए तो देख भाई। तो ये मॉल है सिग्नेचर मॉल, यहाँ पे हमें मिला है एप्पल का सर्विस सेंटर, यहाँ लोकेशन पता है, बाकी आगे जाके देखते हैं। ओके जाएं क्या? थैंक यू। जमा करा दिया यहाँ पे, अब कम से कम 7-8 दिन वर्किंग डेज लगेंगे, उसके बाद अपना फ़ोन ठीक होगा। तो बस अब जा रहे हैं ऑफिस अनंतापुर, 250 किलोमीटर, 8 दिन बाद फिर आना पड़ेगा बेंगलोर। तो ये भैया हैं, इन्होंने फ़ोन किया, अरे वहाँ से जा रहे हैं सर, नहीं दिखी साइकिल, शर्मा रहे हैं भैया यार लड़की, कोई टेंशन नहीं, बेंगलोर के लोग बहुत शर्माते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। जब ऐसा हो गया फ़ोन वगैरह सब दे दिया, सोचा मॉल घूमते हैं, कुछ भी नहीं था मॉल में घूमने के लिए, इतना फुद्दू मॉल, बस खाली शॉपिंग वो थी, शॉपिंग वगैरह थी, जिसको कपड़े देने वो आ सकता है। एप्पल सेंटर भी था भाई। अब एक एप्पल सेंटर था, कुछ नहीं, बाहर से तो ना जबरदस्त लग रहा है कि क्या ही चीज होगी अंदर, कुछ नहीं था। तो बस अब सीन है, अब हम वापस जा रहे हैं, जो मिनी वीर जी के वहाँ से आए थे उनके घर जा रहे हैं, वही रात का स्टे है। तो अब वहाँ चलते हैं, उनका घर दिखाते हैं आपको, उनसे मिलवाते हैं। चलो फिर चलना, चंगा फिर अगली बारी। कहाँ से बाहर नहीं निकलने के रास्ते समझ नहीं आते यार मेरे को। अब हम पहुँच चुके हैं व्हाइट फील्ड, व्हाइट फील्ड में इन्हीं का मतलब फ्लैट है, तो वहीं रुकेंगे, थोड़ा इनकी शॉप में जा रहे थे, इनकी हैंडलूम की दुकान है, तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे फिर रात को चलते हैं घर, तब तक आपको लोकल मार्केट दिखाते हैं जो व्हाइट फील्ड में है। ये है हमारे मिनी वीर जी की दुकान, तो इनकी हैंडलूम की दुकान है, हरियाणा हैंडलूम व्हाइट फील्ड में। तो पड़ती होगी यहाँ पे, तो अगर कोई भी आता है वाइल्ड फील्ड में और किसी और कुछ हैंडलूम का सामान लेना हो तो भैया वीर जी को करें कॉन्टैक्ट, अगर इनका नंबर चाहिए तो डाल देंगे वो भी डिस्क्रिप्शन में। बस बेंगलोर वाले लोग, बस बेंगलोर जो हमारे कोई बेंगलोर आता हो, कोई वाइल्ड फील्ड आता हो, कोई अपना बंदा देख रहे हो जिसको सामान वगैरह चाहिए हो, तो आए जरूर आए एक बार। तो गाइस अब सीन ऐसे हो चुके हैं, हम आ गए वीर जी घर दुकान से होके, क्योंकि रात के बज चुके हैं 8:30, थक काफी चुके थे, अब डिनर वगैरह करके सोएंगे। और बारिश होने इतना बुरा हाल किया है कि भैया कुछ मत, तो ये हमारे तो छोटे छोटे दोस्त मिले हैं, नाम बोलो अपना। जसमीत है। जसमीत। जसमीत तू? जीत। जीत, जीत और जसमीत। हम जब आए ना अंदर एंटर कर रहे हैं तो वही कहते हैं भैया हम तो आपको टीवी में देखते थे, मतलब फोन वगैरह में देख, फोन में, टीवी में नहीं फोन में, हम तो आपको फोन में देखा है। तो हमने कहा नहीं यार वो मेरा भाई है, हम नहीं थे वो, है ना, तूने वो फोन में देखता ना। अच्छा तो फेमस हो चुके हैं बेंगलोर तक। हेलो भाई, भाई हम लोग फेमस हो चुके हैं, साइड लाइट आने देना, हट जा। तो बस गाइस, तो आज के लिए इतना ही,
तो कल आप सुबह उठ के हमें जो सामान, मतलब ये जो हमारी तीना, ये जो हमारी ट्रिप है थोड़ी बिजनेस ट्रिप है, जो हम घूमने फिरने नहीं आए, काम से आए, एक काम तो हो गया फ़ोन का और हफ्ते तक फ़ोन मिलेगा, तो बाकी अब कल जो जाना है, कल हमने वायरिंग मतलब ऑर्डर का पूरा सामान लेना है काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बाकी बस आज के इतना ही, होप आपको अच्छा लगा होगा, तो यार लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय कर दो, बाय। ये दुआ कर।